सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी हमारे साथ में डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु जी से। आप वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इस बीच वाइल आई वॉज स्टडिंग अबाउट यू आई रेड मेनी थिंग्स और उसमें रेटिना का जिक्र किया गया था। इससे पहले मैं डिटेल्स बताऊं जो कि बहुत सारी हैं, मैं चाहूंगी कि आप एक बार उसको हाईलाइट करें और बताएं कि कैसे बिजनेस फील्ड में आपका योगदान रहा है। नमस्कार जी, जैसा कि मैडम ने पूछा है कि हमारा क्या योगदान रहा है, एक्चुअली मैंने बीएमएस किया था आयुर्वेद में और आज से 40-42 साल पहले मैंने एक रिसर्च की थी आंखों के ऊपर। उसमें जैसे कि मोतियाबिंद हो जाता है दुनिया में, इसका ऑपरेशन किया जाता है और हम जो है बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक करते हैं। उसके बाद भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी देखा होगा आपने कि किसी का विजन जो है 10% आया, किसी का 50% आया, किसी का 100% आया, किसी का एक साल में विजन लॉस हो गया और एक किसी का जो है 2-4-5 साल बाद इसका लॉस हो गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो रेटिना का है। रेटिना का टिल टुडे पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसको रेटिना को 5 मिनट्स के अंदर रीजनरेट करके हम नज़र को वापस लाना शुरू कर देते हैं। अब जो कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं इसके अलावा, कैटरेक्ट के अलावा, कि जो हम ठीक कर रहे हैं और 5 मिनट्स के अंदर रिजल्ट्स भी दे रहे हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक आपको पता है बहुत प्रचलित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो लोगों में हो रहे, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति डायबिटिक से है। उसका इफेक्ट रेटिना के ऊपर पड़ता है, विजन लॉस हो जाता है। इसका कोई ट्रीटमेंट वर्ल्ड के अंदर नहीं है जिसको कि हम 5 मिनट्स का रीजनरेट करके इसको विजन को वापस लाते हैं। दूसरा, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस है, ये ठीक नहीं होता। अभी पूरी दुनिया में कोई इसका इलाज नहीं है। इस कलर ब्लाइंडनेस को हम ठीक कर देते हैं, जिसके भी रिजल्ट 5 मिनट्स के अंदर आते हैं। माइकोलोड रिजेंशन ओल्ड एज सबको आती है, बुढ़ापा सबको आना है, रोशनी सबकी खत्म होनी है, कम होनी है, तो इसको भी हम जो है बुढ़ापे में जो रोशनी खत्म होती है इसको भी वापस ले आते हैं। इस तरीके से आंखों में कोई भी बीमारी हो, कोई भी ऑपरेशन हो चुका हो, विजन हर हालत में 5 मिनट्स के अंदर आता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। केवल जांच करानी पड़ती है, ग्लूकोमा का भी जांच करानी पड़ती है। ग्लूकोमा में भाई साहब कुछ बता रहे थे मुझे, ग्लूकोमा मैंने कोई बार प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो जाएगी। एलोपैथिक में जो मेडिसिन जो दी जाती हैं वो उसका जो टाइम पीरियड है 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे के बाद इसका असर खत्म हो जाता है। फिर इसको जो है ऑपरेशन करना पड़ता है, आयरेक्टमी करनी पड़ती है, उसके बाद ही पेशेंट जब ब्लाइंड हो जाता है। इस तरीके से जो हम अपनी तमाम ऐसी बीमारियां हैं, चश्मे का नंबर भी हम जो है कम कर देते हैं, 70-80% चश्मा उतार भी देते हैं। ये सब जो हमारा जो पिछले 42 साल का जो है ये हमारी प्रयास रहा है, इसको जो है अभी सबसे खुशी वाली बात हुई है, अब WHO ने भी जो है सर्टिफाइड किया है इसका, हमारे इसको इतिहास अभी सब चीज़ें ठीक हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारी मेडिसिन पेटेंट भी है और मान्य है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर वासु, आपकी कहानी बहुत रोचक है, आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ इसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन इस बीच हमारे पास एवरो इंडिया लिमिटेड से मिस्टर सुशील अग्रवाल मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका, और आप चेयरमैन हैं एवरो इंडिया लिमिटेड के, चेयरमैन हैं CII के। सबसे पहला सवाल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ही होगा क्योंकि इंडस्ट्रीज और बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, और उस चैलेंजेस से ओवरकम करना कैसे पॉसिबल होता है? थैंक यू साक्षी, आप सबका स्वागत है। और जैसे आपने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ऐसी आज मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई है। और ऑनरेबल PM सर और ऑनरेबल CM सर का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का, और इस प्रकार के भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट होने का, ये सब साकार होने जा रहा है। छोटी छोटी अड़चने आती हैं, कुछ दूर हो जाती है, नए चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम उत्तर प्रदेश में एक्सपैंड करना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर भी इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड अवेलेबल नहीं है किसी रूप से भी। हो सकता है कि आपको ऐसी जगह पहले 500-700 हजार किलोमीटर दूर, जहां शायद आप जाके फैक्ट्री सेट ही ना कर पाए। तो जो FAR जो अलाउ था कि 60-65% से ऊपर आप इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं बना सकते हैं,
वो शायद बहुत सालों पहले 20-25 साल पहले ठीक था, लेकिन आज के परिवेश में जब जगह इतनी कीमती हो गई है कि जो जगह कहता मीटरों में मिलती थी वो इंचों में मिलने लग गई है आजकल, फिर अवेलेबल भी नहीं है, और जब एक्सपेंशन करनी होती है, एक प्लांट मेरा यहाँ, एक प्लांट 200 किलोमीटर दूर होगा, तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, कि छोटे छोटे उद्यमी हैं, एमएसएमई हैं, और आप समझ के चले कि 15 करोड़ उद्यमी इस समय लगे हुए, 6 करोड़ से ज्यादा यूनिटें चल रही है एमएसएमई की, जिसपे की पूरे गाजियाबाद एनसीआर रीजन की बात भी करो तो 30,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर जो काम कर रही है, जो स्ट्रगल कर रही है। स्ट्रगल इसलिए कर रही है कि उनको एफआईआर अलाउड नहीं है कि आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, आप उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, करेंगे तो वायलेशन हो जाएगा, उसकी पेनल्टी लग जाएगी, आपकी फैक्ट्री सील हो जाएगी। और अगर जो लैंड लेना चाहे तो इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड अवेलेबल नहीं है, और अगर जो किसानों से लैंड लेना चाहे तो आप समझ सकते हैं वो बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है, हर एक की बस की नहीं है। ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं एंगेजमेंट करके फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक तो उनको डील करना, उसको ले पाना, फिर इसके अलावा उसकी एक्सेसिबिलिटी कर पाना, उसका कन्वर्जन कर पाना, इसके बाद में वहाँ एस्टैब्लिश कर पाना अपने आप में चैलेंज है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, नंद गोपाल नंदी जी देख रहे हैं, ऑनरेबल सीएम सर बहुत अच्छे प्रोग्रेसिवली काम कर रहे हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी बहुत तेजी से काम कर रही है, इस चीज को एक इम्पॉर्टेंट बना करके, इतना स्टेट का सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि लैंड की सुविधा मुहैया करवाई जाए, जिसको जो जितनी चाहिए, जैसे सिम कार्ड मिलते हैं इसी प्रकार से आपको जब चाहिए जहां चाहिए मिलनी चाहिए, और अफोर्डेबिलिट में मिलनी चाहिए। क्योंकि आज अगर जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट एक्स एलेट से 10 रुपए की है और 20 रुपए की लैंड होगी तो कभी भी वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लैंड का एक तो इश्यू लैंड का है कि लैंड की अवेलेबिलिटी चाहे एग्रीकल्चर से कन्वर्ट करके दी जाए, चाहे एग्रीकल्चर कन्वर्जन से प्रोसेस के लिए हमारे को मदद की जाए, या वही एरिया में एफआईआर को अलाउ किया जाए। ये अगर जो करते हैं साक्षी, तो मैं मान के चलता हूं जो आंतरपन इस समय आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कमाई कितनी है, 100 रुपए लगा के 2 रुपए कमाते हैं, 200 नहीं कमाते। तो जब 2 रुपए कमाते हैं उसमें वो 200 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, थोड़ी थोड़ी एक्सपेंशन तो कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, सेकंड फ्लोर बना लेंगे, थर्ड फ्लोर बना लेंगे, इजाजत दिए तो नई लैंड नहीं ले सकते। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज इस समय चल रहा है। अगर जो आप इजाजत दें तो मैं सेकंड चैलेंज बता सकता हूँ। सेकंड चैलेंज क्या है, आज आप जानते हैं क्योंकि पोल्यूशन एनवायरमेंट के चक्कर में हर जगह ये है कि आपका ग्रैप आ चुका है, तो नेचुरली आपको डीजी सेट चलाने की इजाजत नहीं है। मेरा सबसे एक ही सवाल है, डीजी सेट कभी क्यों चलाएगा, कोई भी फैक्ट्री 24 घंटे नॉन स्टॉप चलती है अमूमन ज्यादातर। सर माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस बीच हमारे साथ चूंकि जिलाधिकारी गाजियाबाद पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, भारत 24 के इस खास कार्यक्रम में आप शामिल हुए, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, पर जोरदार तालियों के साथ। एंड साक्षी प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि आप देखिए फैक्ट्री को 24 घंटे नॉनस्टॉप चलना जरूरी है, तभी एसेट की रियलाइजेशन होती है, और क्योंकि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं होगी तो डीजी सेट यूज करेगा। डीजी सेट यूज करने में डबल नुकसान हो गया, एक तो बिजली की कॉस्ट ज्यादा आ गई, साथ साथ में उतना लोड का जग लोड मिलता नहीं है, इसके अलावा कैपिटल गुड्स की जो कॉस्ट गई वो अपनी जगह अलग गई। तो कोई डीजी सेट चलाना नहीं चाहता, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए कंडीशन कैसे होनी चाहिए, जैसे हवा मिल रही है आपको इसी प्रकार से अनइंटरप्टेड अगर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगी तो कोई भी डीजी सेट नहीं चलाएगा। मैं कहता हूँ सिर्फ एनसीआर में नहीं, पूरे देश में शायद नहीं चलाएगा, लेकिन इस समय सख्त जरूरत है इस चीज पर ध्यान देने की। केबलें वायरल पुरानी हो चुके हैं, अंडरग्राउंड लाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार बहुत बार चैलेंज आते हैं, फिर एग्रीकल्चर फीडर के अंदर ही इंडस्ट्रियल फीडर डाल रखा है, वहां रोज लाइटें उड़ जाती हैं, इस प्रकार के कुछ चैलेंजेस हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है, लेट अस से आपने कहीं पर पिलखुआ में कहीं पर भी आपने इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्री के लिए अलाउ कर दिया, वहां तक लेबर पहुंच ही नहीं पाती है, आप फैक्ट्री में आपको अलाउड नहीं है कि आप वहां पर क्वार्टर नहीं बना सकते, अगल बगल में जगह अवेलेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जैसे आज कहते हैं होटल्स को ही है, चाहे ओयो होटल की बात करें, छोटी छोटी जगह प्रॉपर्टी बना के बैठ जाते हैं, किसी को आउटसोर्स कर दे कि लेबर क्वार्टर्स इस प्रकार से कर दे कि भी हाँ भी एक डॉर्मेट्री की तरह बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दे। चाइना में, बांग्लादेश में दिल खोल के ऐसे लोगों ने बना रखा है, जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर लोग अपना रहते बड़े आराम से फैक्ट्री के आसपास होते हैं, तो लेबर की अवेलेबिलिटी होगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी आएगी, साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनको काम रोजगार मिलेगा जो लोग तरसते रहते हैं, और ऐसा करके हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ये कुछ चैलेंजेस है साक्षी।